जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का, दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी, लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन, जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं, बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है।